ऐसी विचित्र जगह आके बसे हो। नंबर एक, तुम जब यहाँ बसने आए थे तब तुमने क्या क्या सोचा था कि क्या क्या दिक्कत यहाँ आएगी? हमारे दादाजी के दादाजी के दादाजी जो भी आए थे, दादाजी के दादाजी भी आए थे, उस समय तो और कितनी तकलीफ होगी। अब अपन ने तो तकलीफ वाली जगह चुनी ही है, अपन ने चुनी है ना। किसी ने नहीं कहा कि तुम यहाँ आके रहो, ऐसा किसी ने नहीं कहा। तुम ही रहे बरसों से, उसी आधार पे तुमको पट्टे मिले होंगे या जो हुआ होगा। अब लिए तो अब यदि वहाँ तक सारी सुविधाएं चाहिए, क्योंकि दो दो चार चार पांच पांच घर के लिए तो सरकार क्या और कैसे कर पाएगी, असंभव। तो या तो आपको जो जहाँ बसे हुए गांव है उनमें ऊपर ले जाके बसा देंगे, जमीन होगी तो जाएंगे। खेती किसानी आप नीचे करते रहो, ऊपर जमीन नहीं है ना, दूसरी जगह जमीन नहीं है, नहीं हमारे तो क्या बसेंगे वहाँ पर। वो तो सरकार कर ही रही है, इतने पट्टे दिए दौर देगी, अभी हजारों पट्टे बांट रही है, नहीं निकालेंगे और फिर अंदर कर देंगे, अंदर कर देंगे, नहीं निकालने जाएंगे अंदर कर देंगे तो हमको वहाँ भी तुमको पानी और वो तो देना ही पड़ेगा, लाइट पानी तो देना पड़ेगा। सरकार इतनी बेवकूफ नहीं है कि ऐसी जगह अंदर करेगी कि फिर लाइट पानी के लिए, पेड़ काटेंगे फिर निकालेंगे, ऐसे जगह रखेंगे आप। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय उषा ठाकुर जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी बहुल्य इलाकों में जाकर वहां के आदिवासियों को विचित्र जगह में रहने वाला बताया। उनका यह बयान बेहद निंदनीय और आदिवासी विरोधी है, आदिवासियों का अपमान है। माननीय मंत्री महोदया, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक प्रदेश में ऐसी मंत्री महोदया है जो बार बार आदिवासियों के संबंध में से विचित्र बयान देती है, जिससे प्रदेश के आदिवासियों का बार बार अपमान हो रहा है। आपने पिछले बयानों में आदिवासियों को और आदिवासियों के प्रमुख संगठन जयस को नक्सलवाद से जोड़कर पेश करने की कोशिश की। अब जंगलों पहाड़ों में रहने वाले आदिवासियों को विचित्र जगह में रहने वाला बताया। माननीय मंत्री महोदया, आपको आदिवासियों की पहचान, उनकी संस्कृति और उनके संवैधानिक अधिकारों का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। आपको आदिवासियों की आदिवासियत के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। आज आदिवासियों की पहचान ही उनके जल, जंगल और जमीन, उनके भौगोलिक स्थिति, उनके विशेष संस्कृति और उनके विशेष स्वभाव के कारण संविधान में उन्हें शेड्यूल ट्राइब कहा गया है। आप आदिवासियों की समस्याओं को सकारात्मक लेने की बजाय, उनका समाधान करने की बजाय, आप उन्हें यह कहते हुए नजर आ रही हैं कि आप विचित्र जगहों पर क्यों रहते आए हैं। तो ये दुर्भाग्य है कि आपको आदिवासियों, इस देश के मूल निवासियों, मूल मालिकों के बारे में संवैधानिक ज्ञान नहीं है। उनके संविधान की 5वीं अनुसूची में उन्हें कितने पावर दिए गए हैं आपको अधिकार नहीं है। ग्राम सभा के रूप में उन्हें, पेशा कानून के रूप में उन्हें कई अधिकार मिले हैं, आपको ज्ञान नहीं है। अगर आप वास्तव में संवैधानिक अधिकारों का ज्ञान रखते, आदिवासियों की संस्कृति के बारे में ज्ञान रखते, तो आप ऐसा निंदनीय बयान नहीं देते। मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार माननीय मंत्री महोदया के इस बयान पर एक्शन ले और उन्हें कैबिनेट मंत्री से तत्काल बर्खास्त करे, अन्यथा मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के आदिवासी उनके इस बयान का हम कड़ा विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम प्रदेश की राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करेंगे और उनको चाहेंगे कि शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री से बर्खास्त करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।